गणेश चतुर्थी आज और मॉर्निंग स्पेशल में शुरुआत इसी से कर रहे हैं। पूरे देश में 10 दिन तक चलने वाले गणपति उत्सव की आज से शुरुआत हो गई। महाराष्ट्र से बेहद खूबसूरत तस्वीरें मिल रही हैं क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। 6 तस्वीरें आपके सामने। कल रात से ही बप्पा की प्रतिमाओं को घर पर लाने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके साथ ही अगर आज सुबह की बात करें तो अलग अलग पंडालों में सुबह की आरती के साथ शुरुआत हुई। मुंबई में जो मंदिर हैं उनमें सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। पंडालों में गणपति को स्थापित किया जाता है, घरों में गणपति को बैठाया जाता है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और खास ट्रेंड जो बीते कुछ सालों से देखने को मिल रहा है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाओं पर भी जोर दिया जा रहा है। और सबसे ज्यादा खुशी गणपति की प्रतिमाओं को घर पर लाने की दिखती है। ऐसे में टीवी स्टार्स भी पीछे नहीं रहते। कैसे गणपति को गाजे बाजे के साथ धूमधाम से घर पर स्थापित किया गया, देखिए। गणपति बप्पा को घर लाने की होड़ लग गई। रात भर मुंबई जागती रही। क्या आम और क्या खास, सभी ने पूरी तैयारी से बापा को घर लाया। टीवी स्टार भला कैसे पीछे रहते। संभावना सेठ ने लगातार 12वीं बार बापा को घर बुलाया तो शरद मल्होत्रा 7वीं बार बापा को लेने पहुंचे। बहुत साल हो गए मुझे इनके यहाँ से गणपति जी घर पे ले जाते हुए। और ये कहूँगी कि ये लड़का है दुर्गेश जो हमारे बप्पा की सारी तैयारी करता है। डेकोरेशन में सारा हाथ दुर्गेश का होता है। क्योंकि बापा आ चुके हैं और 2 दिनों के लिए मुझे छुटकारा मिला है और 2 दिन मैं बहुत एंजॉय करने वाला हूँ। टीवी सीरियल साथियां की बहू देवोलीना ने पूरे परिवार के साथ गणपति को घर लाने पहुंची तो अदा खान दोस्तों के साथ पापा को लेने पहुंची। एवरी ईयर हमारा ये जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, वी ऑलवेज कीप गणपति इन देयर हाउस। सो हर साल मैं इनके साथ होती हूँ, गणपति लेने भी और विसर्जन करने भी। ऋत्विक पूरे परिवार के साथ बापा को घर पर लाया। ऋत्विक ने साईं बाबा की झलक वाली बापा की मूर्ति को बिठाया। वहीं करण वाही लगातार 4th साल घर पर बापा की पूजा रखी। इस बार करण ने सुनहले गणपति को लाया। बहुत मस्ती होने वाली है एंड इट्स बप्पा टाइम। तो आई थिंक ये पूरे 11 दिन जो है वो ना सिर्फ मैं, ना सिर्फ आप, हम जितने भी लोग हैं सब लोग धमाली करते हैं। दैट्स व्हाट वी डू। इट्स फन बिकॉज इन अ वे बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिवल, दिस इज द ओनली फेस्टिवल जिसके लिए मेरे पेरेंट्स दिल्ली से इधर आते हैं। रतन के गणपति गुड्डू भैया हैं। उन्होंने 4थी बार बापा को घर लाया। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से ज़्यादा ऐसे रहता है कि घर में बच्चा आ गया है, उसका देखभाल करना है, खाना पीना ढंग से खिलाना है और मेरा तो दिन कैसे बीत जाता है 1.5 दिन पता ही नहीं चलता। वहीं टीवी कलाकार पांडे पहली बार गणपति बप्पा को अपने घर लेकर आए। बापा को पंडाल से लेके अपने घर पहुंचे और अनार लड़ी पटाखों के साथ बापा का स्वागत किया। वहीं टीवी के मशहूर अभिनेता अर्जुन बिजलानी यानी नागिन शो के ऋतिक अपने बेटे अयान के संग गणपति बापा को लेने पहुंचे। बयान नहीं कर सकती मैं, मतलब इतनी खुश हूँ। ये जो खुशी होती है ये आप एक्चुअली बहुत स्पीचलेस होती है, आप ये बता नहीं सकते, आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऑब्वियसली बहुत खुश हूँ। जो भी है दुनिया में चल रहा है, हम कर रहे हैं, वो इन्हीं की बदौलत है। और मेरे लिए तो मैं गणेश जी में बहुत विश्वास करता हूँ और पिछले 25-26 सालों से हम गणपति अपने घर पे ला रहे हैं। टीवी अभिनेता अंकित गेरा और पिछले बिग बॉस सीजन के कंटेस्टेंट इस बार 7वीं बार बापा को अपने घर ले जाने आए हैं। अंकित और उनके परिवार वाले खूब मस्ती के साथ बापा का स्वागत किया। शांतनु भटनागर, मुंबई आज तक।
कर्नाटक में कैसी धूम है, गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, इसकी तस्वीरें आपने हमारी इस रिपोर्ट में देखी, लेकिन इस वक्त लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद है। गणेश गली से वीरेंद्र गुनावत हमारे साथ मौजूद है, साथ ही गिरगांव राजा से हमारे साथ मयूरेश गणपति इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले तो मयूरेश और वीरेंद्र, आप दोनों को भी गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जरिए हम अपने व्यूअर्स को भी वो तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसी रौनक इस वक्त गणपति उत्सव की है। अब वीरेंद्र, पहले आपके पास आना चाहेंगे, गणेश उत्सव का जिक्र हो और गणेश गली का जिक्र ना हो ऐसा नहीं हो सकता, तो दिखाएं आज बापा की शान में किस तरह से समारोह की तैयारी वहां पर है। बिल्कुल मीनाक्षी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश उत्सव की पूरा धूम एक बार फिर से दिखने लगा है, क्योंकि सभी को इंतजार होता है कि गणेश उत्सव आए, लोग गणपति बप्पा मोरिया ये कहने का, ये बोलने का उनको मौका मिले। और आप सीधा तस्वीर देखिए, ये है मुंबई चा राजा। मुंबई चा राजा मुंबई के सबसे पुराने गणेश पंडालों में से एक है। इनकी जो मूरत है, इनकी मूरत तकरीबन 22 फीट ऊंची है। कहते हैं कि मुंबई में कई ऐसी मूर्ति होते हैं जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं, और उनमें से एक मूर्ति ये है। इन जो अवतार है, ये विष्णु जी का अवतार के रूप में इस बार इनको तैयार किया गया है। कमल के फूल पे खड़े हैं, 22 फीट ऊंची, बिल्कुल ऐसे एक साक्षात कोई राजा कैसे खड़े होते हैं। अपने हाथ अपने उनके उनके बाई हाथों में देखे तो उनके हाथों में एक बहुत ही व्रज सा रखा हुआ है। एक अच्छी बात यह है मीनाक्षी कि मुंबई चा राजा पंडाल में जो दो चीज़ देखने लायक होती है, एक तो खुद मूर्त होती है, आराध्य देवता भगवान गणेश की मूर्त होती है, और उसके जो पंडाल के बाहर जो अट्रैक्शन होता है वो देखने लायक होता है। इस बार बद्रीनाथ मंदिर का एक पूरा रूप बनाया, उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर एक चार धाम में से एक धाम है, वो धाम का पूरा हूबहू रूप इस वक्त गणेश गली के बाहर है, जहाँ लोग देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो यानी दोनों तरफ, एक तरफ बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ अपने यही खासियत पंडालों की होती है कि उन्हें अलग अलग रूप में अलग अलग ट्रेडिशन के साथ महाराष्ट्र में तैयार होता है। मयूरेश भी हमारे साथ एक पंडाल से मौजूद है इस वक्त। मयूरेश, महाराष्ट्र इस त्योहार का पूरे साल इंतजार करता है, क्योंकि इस वक्त में परंपरा, रीति रिवाज और अलग अलग स्टाइल अंदाज गणपति बप्पा की पूजा करने के अपने चरम पर होते हैं। आप जहाँ पर मौजूद है, क्या विशेष तैयारियां वहां पर हैं और कैसे बप्पा की पूजा अर्चना की जा रही है? जी बिल्कुल, आपने परंपरा की बात की और मैं कहना चाहूँगा जहाँ पर मैं खड़ा हूँ गिरगांव में, यही से जो है लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। फिलहाल आप जो देख रहे हैं ये है गिरगांव सा राजा, गिरगांव का सबसे बड़ा गणपति है। और सबसे अहम बात ये है कि इस गणपति की या इस पंडाल की जो है वो सराहना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की थी, क्योंकि ये मूर्ति आप जो देख रहे हैं ये भगवान की, ये पूरी तरह से जो है वो मट्टी से बनी है। इसमें इको फ्रेंडली मूर्ति हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये प्लास्टर ऑफ पैरिस से नहीं बनी। तो ये सबसे बड़ी बात है गिरगांव के राजा की। आप देख सकते हैं कितनी भव्य ये मूर्ति है, कितनी बड़ी है मूर्ति, और उतनी ही सुंदर है, उसकी आँखें भी उतनी सुंदर है, और जिस प्रकार से उसको सजाया गया है वो भी उतना सुंदर है। लेकिन सबसे अहम बात जो मैंने पहले भी कही, वापस एक बार कहना चाहूँगा कि इस मंडल की, इस पंडाल की जो है वो सराहना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, क्योंकि ये इको फ्रेंडली मूर्ति, और इतनी बड़ी मूर्ति इको फ्रेंडली बनाना ये बहुत ही बिल्कुल। और आपके इस लाइव कवरेज के जरिए हमारे व्यूअर्स भी इन तस्वीरों को देख पा रहे हैं। शुक्रिया मयूरेश आपका, वीरेंद्र आपका हमें ये जानकारी देने के लिए। तो 6 तस्वीरें आपके सामने। गणेश चतुर्थी के साथ साथ आज शिक्षक दिवस भी है, वो दिन जब हम अपने गुरुओं और शिक्षकों के योगदान को हमारे जीवन में याद करते हैं, उसे नमन करते हैं। तो इस मौके पर आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ऐसे शिक्षक की तस्वीर जिस पर बच्चों को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को और अभिभावकों को भी नाज है। कहीं विदाई का गम तो कहीं स्वागत का जश्न, एक शिक्षक के लिए ऐसा लम्हा कम ही आता है। जब हम 5 की क्लास से निकले तो हमारे सर जी कह रहे थे, बच्चों तुम लोग पढ़ाई मत छोड़ना, फीस कापी किताब जो भी कपड़ा लगता जो भी लगे हमसे मांगना, लेकिन तुम लोग पढ़ाई मत छोड़ना। लेकिन देवरिया के शिक्षक अवनीश यादव की शख्सियत ही कुछ ऐसी है कि देवरिया के पिपरा धन्य प्राथमिक विद्यालय से तबादले के वक्त पूरा गांव रो पड़ा था। दे
और जब वो तबादले के बाद अपने गांव पहुंचे तो लोगों ने हाथों हाथ ले लिया। औढ़िया रेलवे स्टेशन पर उतरे तो प्लेटफॉर्म से फुटओवर ब्रिज तक स्वागत में बिछा पड़ा था। फूल मालाओं के बार से गर्दन झुकी जा रही थी। यहाँ से किसी वीआईपी वाले अंदाज में वो अपने पैतृक गांव बभनौली निकले। घर पर गांव वालों की भीड़ उमड़ी थी। माहौल में देशभक्ति घुली थी। बहन ने आरती उतारी, माँ ने आशीर्वाद दिया और पत्नी ने गले में माला डाली। शिक्षक दिवस से जहां महान शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद आती है, वहीं गुरुओं की गिरती गरिमा में हमें दुख भी पहुंचाती है। लेकिन अवनीश यादव उस आदर्श को उठाने वाले शिक्षक हैं, जिन्हें बच्चों से लेकर उनके माता पिता तक बे इंतहा प्रेम और सम्मान देते हैं। बच्चों को दिया हुआ संस्कार आज तक किसी मास्टर ने नहीं दिया। हम लोग का यही आ रहा है कि जितना ही पति को जितना बालक को इतना ही मास्टर साहब को आ रहा है कि हमारे नज़र में अब मास्टर ऐसा नहीं मिलेंगे। इन्हीं के तरह से कोई ऐसा टीचर आवे कि जो इनके बताए हुए रास्तों पर चले। यही वजह है कि आदर्श गुरु को गांव और विद्यालय छोड़कर जाते देख गांव निढाल हो गया था। ग्रामीणों ने उन्हें गांव के बाहर तक छोड़ा। महिलाओं ने मंगल गीत गाया। गाजीपुर से राम प्रताप सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे टीचर से जो देख नहीं सकते लेकिन अशिक्षा का अंधकार दूर करने में वो जुटे हैं। बकायदा प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं और पूरा गांव इनका कायल है। स्कूल में पढ़ाते प्राइमरी स्कूल टीचर शिवेंद्र हर किसी को अचंभित कर देते हैं। वो कमाल का पढ़ाते हैं, कमाल की सोच रखते हैं और बच्चे भी उन पर फिदा रहते हैं। आखिर उनकी खासियत ही कुछ ऐसी है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ब्लैक बोर्ड पर धड़ल्ले से शिक्षक दिवस लिखने वाले शिवेंद्र को दिखाई नहीं देता, वो दृष्टिहीन है। लेकिन एक शिक्षक के तौर पर उनका हौसला देखते बनता है। टीचर का काम एक तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट है किसी भी बच्चे का, और हमें वही करना है। अगर बच्चा परफॉर्म कर रहा है तो हम अपने उद्देश्य में पूरे हैं, और अगर हमारा बच्चा ठीक से बिहेव नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब हमारे में कहीं गड़बड़ है। उनका हौसला बुलंद है और समाज का जब सहयोगी रुख है तो निश्चित रूप से ऊंचाइयां पाते हैं और वो गर्व होता है। एक हादसे में यूपी के अमरोहा के सरकंडी मुंडी गांव के रहने वाले शिवेंद्र की आंखें चली गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नहीं दिखने के बाद भी शिवेंद्र ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और बीटीसी परीक्षा पास कर अपने ही गांव में प्राइमरी शिक्षक बने और बच्चों को न सिर्फ सुनहरे भविष्य का सपना दिखाने लगे बल्कि उसे साकार करने के रास्ते तैयार करने में भी जुट गए। कहना चाहिए सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि किस तरह से वो बच्चों को दूसरे विद्यालयों से, जो विद्यालय इतने ऊंचाई पर हैं, जो प्राइवेट विद्यालय जहां से बच्चा आना पसंद नहीं करता वहां से खींच के ला रहे हैं, तो वो एक दूसरे टीचर के लिए प्रेरणा स्रोत है कि इसी तरह हमें भी जो है गुणवत्ता लानी चाहिए एजुकेशन में, जिस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। शिवेंद्र आंखों की कमी को टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी करते हैं। वो कंप्यूटर मोबाइल का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं और इसकी मदद से बच्चों को पढ़ाते भी हैं। BS आर्या, अमरोहा, आज तक।